सो गुड इवनिंग एवरीवन। और आज मेरे को थोड़ा सा और ग्राउंड के करीब आने का मौका मिला। गला लगभग ठीक ही है, बट देखिएगा कितना लाजवाब छे है ये। और इस सत्र में ओवर की समाप्ति एक गगनचुंबी छक्के के साथ। सो अभी गोरखपुर लायंस को 18 गेंदों में 41 रन चाहिए। एंड वी हैव सुरेश रैना टुडे एज आर स्पेशल गेस्ट। एंड मेरे को अभी पता चला है ही इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो यूपी T20 लीग। सो आई हैव टू वेलकम हिम। उसके लिए भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। एंड यू कैन सी अभी इस समय के लिए आई थिंक बॉल बॉयज को छोड़कर मैं ही सबसे ज्यादा करीब हूँ इस ग्राउंड के। शानदार व्यू। सो फाइनली पहला मैच एंड हो चुका है। एंड पहले मैच में 400 से ज़्यादा रन बने। मेरठ मैवरिक्स की किस्मत मुझे ऐसा लग रहा है ना थोड़ी सी ख़राब चल रही है इन बोथ ऑफ देयर प्रीवियस मैचेस। दे स्कोर्ड मोर देन 200 एंड दे गॉट द लॉस इन बोथ ऑफ दीज मैचेस। तो अभी आई थिंक इनको गेंदबाजी पे वर्क करने की कोशिश है। वैसे एनालिस्ट नहीं हूँ मैं, बट आई थिंक देयर बैट्समैन आर डूइंग गुड, बट गेंदबाज उसको सेव नहीं कर पा रहे हैं, डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 213 रन थे उनके। एंड स्टिल गोरखपुर लायंस ने 18.5 ओवर्स में 214 रन बना लिए हैं। यशोवर्धन एंड सिद्धार्थ प्लेड अ फैंटेस्टिक नॉक, जहां पर उन्होंने 22 से 23 गेंदों में 61 रन बनाए। एंड इतने लंबे लंबे छक्के उन्होंने लगाए ना। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द हिज बाउंड्रीज विल बी फ्रॉम दो सिक्सेस। और इस अगले मुकाबले में जहाँ पर कानपुर एंड आई थिंक लखनऊ, ओके सो इट्स गोइंग टू बी बिटवीन कानपुर एंड लखनऊ। जो एंड टॉस की बात करें तो टॉस में मेरे को सही से याद नहीं है कि किसने टॉस जीता है। लखनऊ ने जीता है एंड दे आर गोइंग टू बोल फर्स्ट। सो देखते हैं कि क्या इसमें भी वो बड़ा स्कोर बनेगा, क्योंकि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन अभी थोड़ी देर में होने वाली है, तो वहाँ पे कुछ और चीज़ें हमें पता चलेंगी। बट आज हमारे बीच एक स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, सुरेश रैना, जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैंने बताया भी अभी आपको थोड़ी देर पहले, तो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो यूपी T20 लीग, और वो आ चुके हैं ग्राउंड में। एंड आई थिंक शायद पूरा मैच देखकर ही जाएंगे। देखते हैं कि इस मैच में क्या होता है। अभी के लिए देख सकते हैं आप। सो द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हैज बीन स्टार्टेड। आपको सुनाई भी दे रही होगी। ओके चलो ये सब तो चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में फिर से, अगर कुछ फिर से एक्साइटिंग कवर करने के लिए रहा तो। अपना फोन निकालिए, टर्न ऑन योर फ्लैशलाइट्स। सभी लोग एक बार जल्दी से, जब तक ये टाइम आउट चल रहा है। Okay, so jump up on the left. You have to move your forward to the left and then right. Okay, so left, right, 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 left, right. Thank you. तो अभी इस ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला देखने को मिला। मैं कुछ कवर नहीं कर पाया बिकॉज इट वॉज सो इंटेंस। एंड लास्ट बॉल पे एक रन चाहिए था एंड आराध्य ने 6 मारकर लखनऊ फैल्कन्स को जिताया। एंड थिंक अबाउट इट, कानपुर सुपरस्टार्स ने 221 रन बनाए थे एंड स्टिल लखनऊ फैल्कन्स मैनेज टू चेज इट। 227 बनाए उन्होंने विद इन 20 ओवर्स। लास्ट ओवर में आई डोंट नो कितने रन चाहिए थे, बट लास्ट बॉल पे एक रन चाहिए था एंड विद अ सिक्स उन्होंने अपनी टीम को जिताया। वेल प्लेड आराध्य भाई। एंड जियो यूपी T20 लीग में ना बहुत रन्स बन रहे हैं, मोर देन 800 रन्स इन 2 मैचेस, अनबिलीवेबल। बाउंड्रीज छोटी हैं माना, बट
आई थिंक भाई बॉलर्स की अच्छी खासी पिटाई हो रही है। वैसे ही भाई बॉलर्स के लिए एक वाइड बॉल क्रिकेट बहुत कम बचा है, रन्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। एमसीजी जैसा ग्राउंड हो तब तो कोई बात नहीं, बट जितना भी ब्लॉग मैंने बना पाया है वो मैं अपलोड कर दूंगा। वैसे ज़्यादा नहीं बना पाया है, बट दिस वॉज सो इंटेंस। और चलिए पूछ लेते हैं कुछ लोगों से। वीरेन भाई, मज़ा आया क्या मैच में? बिल्कुल मज़ा आया मेरे को आज। चलिए और भी कुछ लोग हैं मेरे साथ प्ले करने, और यदु भाई है मेरे पास, मेरे साथ। तो यदु भाई, कैसा लगा ये मैच देखकर? बहुत ही तगड़ा, लास्ट तक गया और वो फाड़ू सिक्स के साथ मैच एकदम फिनिश। और भाई भाई ने पूरी कमेंट्री कर दी है लास्ट बॉल की, एक फाड़ू सिक्स के साथ वो मैच खत्म हुआ। बहुत मजा आ रहा है भाई, क्रिकेट जैसा होना चाहिए एक ऑडियंस एक स्पेक्टेटर के लिए, वैसा ही हो रहा है। सो अभी के लिए जा रहे हैं होटल पे, एंड होटल पे जाने के बाद क्लिप शूट करने का कोई टाइम मिलता नहीं है। आई विल जस्ट गो एंड टेक रेस्ट। थैंक यू एंड साइन ऑफ।